जिसके पास पैर नहीं वह चलने में असक्षम है, गुरुओं का व्यवहार नहीं करा सकता है, उससे मिलना तुम्हारे पास क्या क्या कीमतवान वस्तुएं हैं, तुम उसका प्रयोग नहीं करते, तुम मनुष्य बन गए हो, संगी पंचेंद्रिय मनुष्य बन गए हो, फिर भी अपने आप को हीन दीन देखते हो। वह मनुष्य पर्याय जो तुम्हें भगवान बना सकती है, लेकिन गरीबी में और साधुपने में इतना ही अंतर है कि तुम गरीब बन के जी रहे हो और अपने आप को हीन दीन देख रहे हो, और वही साधु बन जाता है तो अपनी हीनता दीनता को नष्ट करके अपने उत्कृष्ट की ओर दृष्टि करने लग जाता है। आप लोग गरीब है ना, आपके पास कुछ नहीं है ना, इसलिए तो दौड़ लग रही है, ये मिल जाए वो मिल जाए, गरीबों का ही काम होता है, ये मिल जाए वो मिल जाए। आप बताओ किस किस के पास में कमी है? जगदीश जी कमी है, कमी है और नहीं है, यह ज्ञात नहीं है, कमी नहीं है यह ज्ञात नहीं है। मेरे पास मन है, मेरे पास स्वास्थ्य है, मेरे पास शरीर है, उसके साथ साथ मेरे पास देव शास्त्र गुरु का सानिध्य है। कितने लोग इसके अभाव में जीवन जी रहे हैं, आपको पता ही नहीं है मेरे पास क्या है। बोधि दुर्लभ मां, एक इंद्रिय से दो इंद्रिय हो जाना, दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय हो जाना, तीन इंद्रिय से चार इंद्रिय के पर्यायों को प्राप्त कर लेना, पंच इंद्रिय त्रियंचों से छोड़कर मनुष्य पर्याय में बुद्धि सामर्थ विवेक ज्ञान ये सब प्राप्त हो गया है, फिर भी तुम हीन भावनाओं में जी रहे हो। तुम बताओ कि तुम क्या उस गरीब से कम नहीं हो? आज आचार्य भगवान यही बता रहे हैं ज्ञानी, आज यही तो बता रहे हैं आचार्य भगवान। आप बोधि दुर्लभता आपको ज्ञात नहीं हो रही थी, सब कुछ आपके पास होने पर भी आज तक वह ज्ञात नहीं हुआ जो तुम्हें तुम्हारे पास था। कम्मुद जय पज्जाया हेयम खाओ वसमियम क्षणाणम को सग दब मुवादेयम निच्छति या होदी सन्नाणम। मेरी बुद्धि सन्नाणम कैसे बनेगी, सम्यक ज्ञान से युक्त कैसे होगी? जो मेरे पास ज्ञान है इसमें सम्यक पना कैसे आएगा, अर्थात मेरी बुद्धि बोधि को कैसे प्राप्त होगी? तो आचार्य भगवान कहते हैं अपनी दृष्टि बदलो अभी बोधि मिलती है। जिसको मैंने अपना हितकारी माना वे मेरे अहितकारी, जिन माया परिणामों को मैंने हितकारी माना, जिन कषायों को मैंने हितकारी माना, जिन मायाचारी परिणामों और मान की कषायों को मैंने हितकारी मान के अपना हित चाहा और काम भी बनता दिखता है, ध्यान रखना, लेकिन तुम्हारे काम बिगड़ गए हैं, छोड़ोगे नहीं तो चलते रहो जिस मार्ग पर चल रहे हो, कभी अनंत जीव इसी मार्ग पर चलते हुए संसार में है, और बदल दो, छोड़ दो इन परिणामों को, छोड़ दो मिथ्या परिणामों को, अपनी दृष्टि बदल दो, तुम्हारी बुद्धि बोधि का काम करने लग जाएगी। यहां क्या कह रहे हैं, जितनी भी यह कर्म उदय जनित क्षयोपशमिक ज्ञान है ये हे है। अब ये शास्त्रीय भाषा में मैंने कल आपको बहुत सुंदर बात बताई थी, मैंने सुना, मैंने यह सोचा है हमेशा मां कि लौकिक ज्ञान प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। दौड़ किसकी लगी थी, लौकिक ज्ञान लौकिक शिक्षाओं को प्राप्त करना यह बहुत दुर्लभ है, लेकिन जगत के 800 करोड़ में तो हर जीव लौकिक ज्ञान से समृद्ध है। जो तुम्हारे पास सामान्य रूप से उपलब्ध है तुम्हें उस आप उसे दुर्लभ मानते हैं और उसी की ओर दौड़ते हैं, जबकि आचार्य भगवान कह रहे हैं कि क्षयोपशमिक ज्ञान और श्रेष्ठता का प्राप्त करना यह सब क्षयोपशमिक भाव है। यदि तुम्हारे पास कुछ है, मात्र यह शरीर मिला है, जब यह पंच इंद्रिय संगी पर्याय मिली है, इसमें ही तो तुम्हारी अंतरंग में जो रत्न छुपे हुए हैं उसको पहचानने की शक्ति है, उसे क्यों नहीं पहचानते हो? मैं अपनी चिंता नहीं करता, यहां कह रहे हैं स्वद्रव्य उपादे, मैं दूसरे की चिंता करता हूं। यानी अनेक बार यही हो रहा है, मैं मंदिर की व्यवस्था बनाऊं, घरों की व्यवस्था बनाऊं, मैं अपनी चिंता भूल जाता हूं
और सोचता हूँ मैं बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूँ। आप अपनी चिंता करते ना तो जरूर से सब कुछ अच्छा होता। आप करते हैं कि मैं पर के लिए ऐसा कर रहा हूँ, और आपका भी घाटा लगता है और पर आप जो परिणाम करते हैं, मुझे पता है इतने आप सज्जन पुरुष नहीं हैं कि दूसरे के लिए अपना जीवन जिए। कहीं ना कहीं मेरे अंदर वह कषाय होती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो इनका भला बुरा हो जाएगा। अरे ज्ञानी, अपना तो भला सोच ले, ऐसे मायाचारी परिणामों को करके तो अपना कितना भला और अभला कर रहा है। पर द्रव्य पर दृष्टि जाते ही अब समझ में आता है ज्ञानी, बोधि कितना कठिन है। मां, जो मेरे अंदर रत्न छुपे हैं उसको मैं भूल गया और पर की चिंता करते करते पूरा जीवन निकाल दिया। देखो ये अध्यात्म है मां, ये अध्यात्म, यही अध्यात्म है। हमने ऐसा नहीं किया ना, किसी को चिंता है अपनी? कितने को चिंता है अपनी? महाराज जी, हम तो घर परिवार की चिंता कर लें, उसमें ही पूरा जीवन निकल जा रहा है। और हीन दीन आप लोग कितने श्रेष्ठ हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हे गरीबों, साधु और गरीब में कोई अंतर नहीं, साधु और गरीब से बड़ा कोई अंतर नहीं। मनीष, साधु और गरीब में कोई अंतर नहीं और साधु और गरीब से बड़ा अंतर किसी में नहीं। एक की दृष्टि त्याग की है और एक की दृष्टि ग्रहण करने की है, एक की दृष्टि परमार्थ है और एक की दृष्टि लौकिक है। बस हे गरीबों, तुम्हें साधु बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस दृष्टि बदल लो, तुम भी वहीं बैठे बैठे साधु बने को प्राप्त कर सकते हो। अभी जिसे महत्ता देते थे मां, जिस कार्यों को आप महत्व देते थे, उस महत्व को छोड़कर अपनी आत्म कल्याण की दृष्टि यदि हो जाए तो बस वहीं से तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी, वहीं से उसी दिन से तुम्हारी बुद्धि बोधि की ओर चली जाएगी। लेकिन नहीं, ऐसे कैसे, मैं गरीब हूं महाराज जी, बताओ कुछ उपाय, व्यापार कैसे चलेगा महाराज जी, ये बताओ कि कैसे लाभ हो सकता है, कैसे मैं बचा सकता हूं। यानी जिसे बचाना है उसको नष्ट करते जा रहे हो और कहते हैं बता दो मेरा भला किस में है। माँ, कषायों में तुम्हारा भला कभी नहीं हो सकता, पंचेंद्रिय विषयों में आपकी कभी भी भला नहीं है। अपनी दृष्टि बदलिए और तुरंत आनंद प्रारंभ होता है। देखना, अगर जगत के सबसे गरीब कोई मिलेंगे ना मनीष, उसका नाम है दिगंबर मुनि। अरे गरीब भिखारी के पास भी बहुत सारे पैसे हो सकते हैं। ये कभी अभी दृष्टांत में पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा दृष्टांत था। एक किसी ने, ये लौकिक घटना थी और किसी का वह जीवन में घटित दृष्टांत था मनीष। एक दुकान खुली सुबह से और चार छह भिखारी आ गए, और वह जो जिसने ये दृष्टांत लिखा है वह श्रावक था, और वह श्रावक उस दुकान पर सुबह से पहुंचा हुआ था। और जैसे ही दुकान खोली, अब गरीब लोग हैं तो वो तुरंत पहुंच गए चार छः, और सुबह से जैसे ही वो दुकानदार ने देखा, सेठ जी ने देखा, अब बस इनका तो यही काम है, सुबह खोली नहीं कि ये लोग पहुंच गए, निकाली दस दस पैसे और दस दस पैसे चारों छहों भिखारियों को दे दिए। और कितना चिल्लाया, बहुत, कि बस दुकान खोली नहीं कि ये आ जाते हैं, इनके लिए दुकान खोल के बैठता हूँ क्या, मैं सुबह से आता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ और ये चले आते हैं। इतने में ही एक बूढ़ी अम्मा, बुजुर्ग माँ पीछे से पुनः आ गई। वह भी अपने फटे चित्रे वस्त्रों में, साड़ी में थी, गर्दन हिलाती हुई धीरे से आ गई, और वह श्रावक बैठा बैठा देख रहा था, अब देखते हैं इसका क्या होगा। माँ, वह अधेड़ माँ जैसे ही दुकान पे चढ़े, ए बुढ़िया कहाँ चढ़ रही है, दिखता नहीं है, तेरे लिए दुकान खोल के बैठी है, सुबह से चले आते हो बस। अब मैं अपनी मानवता को कहीं विलीन कर देता हूं जब मुझे कोई गरीब दिखाई देता है, गरीब दिखाई देता है तो मुझे लगता है इनका काम ये है। अरे वह उसकी गरीबी उसको ये करवा रही है और तुम अपनी भविष्य की गरीबी की तैयारी कर रहे हो। मनीष, यही होता है, यही होता है। जब हम मान में आके, अभी जो मिला था इसके मान में आके जब
दूसरों को नीचा दिखाने के लिए लग जाते हैं, अधिक समय नहीं लगता है रोड पर आने के लिए। ऐसे ही उसको डांटा और कहा, उस मां से पूछा, 25 पैसे के खुले हैं क्या? ऐसा आप लोग तो नहीं करते ना? हाँ, मैं कहानी सुनने में यह भूल जाता हूं कि कहानी किसकी चल रही है। मैं यह भूल जाता हूं कि डांटता मैं नहीं हूं, मेरे को यदि कोई यहां पर ही दिख जाए, कोई कमजोर वर्ग का, अपने ही समाज का आदमी हो, तो मैं उसे समझता हूं, ये मेरे सामने क्या लगता है, मैं देख लूंगा इसे। यह भाव जैसे ही आता है, मैं अपना ही नुकसान करता हूं, किसी दूसरे का नुकसान नहीं करता हूं। उस मां के साथ यही हुआ। वह मां जानती थी, जो गरीब होता है ना ज्ञानी, जो गरीब होता है ना, जो हीन दीन भावों में जीता है ना, तो उसे मान कुछ प्रेरित करते हैं ना अपमान उसका कुछ बुरा कर पाते हैं। बेटा, जिनने अपमान किया था ना, उन्हीं को तो बार बार अपमान सहने पड़ते हैं। बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह कर्म सिद्धांत को आज अपने मस्तिष्क में यहां से लेके जाइएगा। आप दूसरों का अपमान क्यों करते हैं? आपको अच्छा लगता है, तभी तो करते हैं हम। अगर किसी को हमने अपनी मान कषाय दिखाई, हम बड़े, हम अपमान करते हैं, जो चीज आपको अच्छी लगती है वही तो मिलती है। बात समझ में आई? झांजी जी, हमने किसी का अपमान किया, मान लीजिए आपका ड्राइवर है, और ड्राइवर वो है, ड्राइवर किसी का कोई बनना चाहता नहीं है, ध्यान रखना, ड्राइवर ये कर्म बनाते हैं जो हम करते समय नहीं सोचते हैं, और फिर उसी ड्राइवर के ड्राइवर बन के खड़े हो जाते हैं। यानी बिल्कुल सत्य ही है, आपको अपमान करना अच्छा लग रहा है ना, तो कर्म सिद्धांत कहता है बिल्कुल तुम्हें अपमान ही अपमान मिलेगा। और तुम किसी की प्रशंसा करना सीख लो, ये कैसे हो सकता है? हमें वह पसंद ही नहीं है ना, हमें पसंद नहीं है ना, हम किसी की प्रशंसा करें, ये कहां, कौन कर पा रहा है? अच्छे कर पाते हैं क्या? बहुत मुश्किल होता है किसी के बारे में अच्छे शब्द निकाल पाना, अच्छा सोच पाना। शब्द बोलने के लिए तो बहुत ताकत, अच्छा सोचने में भी तुम्हें भाव भाव लग जाते हैं कि अच्छा सोच लूं मैं किसी के बारे में। जैसे ही वह मां चढ़ी मां उस दुकान पर, और उसने बस जैसे आप करते हैं, नहीं करते, सुबह से आटा लेने आ गया, जा अभी नहीं बाद में आना, कितना सा आटा देना था मां, और तुमने अपने कितने सारे कर्मों को निमंत्रित कर लिया, धुतकार दिया उस व्यक्ति को, क्या कर रहा है, इसके लिए दुकान खोली है क्या? वह श्रावक बैठा बैठा देख रहा है, सत्य है, देखो जगत की लीला ऐसा ही चल रही है, और पूछता है 25 पैसे के खुले हैं? उस मां ने भी कुछ नहीं बोला। जब मां ऐसे दिन आते हैं हर व्यक्ति के आए हुए हैं, उसने कुछ नहीं किया, उसने सुबह सुबह अपना खाली कटोरा दिखा दिया, बाबूजी, डॉक्टर अक्षय ऐसा नहीं होता क्या? अच्छा, आप लोग आज से 10-15 साल पहले शिखर जी कौन कौन गया है? यानी वहां गरीब बैठे रहते थे और 1 रुपए हम देते थे, उसके 10-10 पैसे के छट्टे लिया करते थे, और यहां पर जाएंगे ना प्रेम, यहां जाएंगे बाहर, तो अपनी इच्छाओं के लिए 1000 रुपए ऐसे उड़ा के आ जाएंगे जिसके लिए हमें कुछ पता ही नहीं होता है। और यदि ऑटो वाले ने कुछ बोल दिया, अगर वह अपनी ही कमाई बोल रहा है, उस 8 को कम कराने के लिए, उस 1 रुपए को कम कराने के लिए, हम उस सब्जी वाले से कितना समय बर्बाद कर देते हैं जो दूसरों से लूटने में हमें कभी नहीं लगता है। यानी ये जगत की लीला हम देखते नहीं हैं, बस साधु यही देखता है। ये हम नहीं समझ पा रहे, जितनों के लाभ अलाभ हो जाते हैं इस प्रेम, यानी मैं बोल रहा हूं पुनः पुनः, एक बार और मैंने ये विषय उठाया था, मनीष आपको अगर लाभ हो रहा है तो आप प्रसन्न नहीं होइए, ये देखिए कि मैंने क्या किया था पूर्व में जिससे लाभ हो रहा है। और जो मंदिरों में ही आके
मंदिर की ही संपत्ति खा जाएं, अब उनके गरीबी के दिनों को कोई नहीं रोक सकता। यानी मनीष बिल्कुल याद रखना, या तो मंदिर से यदि व्यापार कर रहे हो तुम, अब जहां मंदिर से ही तुम देवशास्त्र गुरु से ही व्यापार करने लग गए, अरे ठीक है अगर आपको व्यापार करना है, मेरी इतनी लागत है, मैं मंदिर से कमाऊंगा तो मैं जीवन में कहां कमाने जाऊंगा। अगर मंदिर से ही नहीं कमाई तुम छोड़ पा रहे हो और मंदिर को ही अपनी जेब भरने का स्थान बना लिया, तो अब तुम्हारे जीवन में दरिद्रता और हीनता तो आना नियत है। माँ ये लाभ कैसे होता है? अरे जब आवश्यकता हुई, मैंने ये नहीं पूछा कि कमेटी की रसीद चाहिए, मुझे लगा आज इस मंदिर में बल्ब नहीं लगा हुआ है, बल्ब चला गया है, कमेटी आएगी तब बल्ब चेंज करेगी। घर में सोचते हो क्या? मेरे साथ में ये घटना घटी है जानी जी। एक बार जहां आचार्य भगवान या मुनि संग रुका हुआ था, उस प्रांगण में किसी जगह पे बल्ब नहीं था। तो अपन तो बच्चे थे, सहजता में जीवन जीने वाले, कि अरे बल्ब नहीं है कोई बड़ी चीज है क्या, तुरंत गए। एक महाशय सज्जन ने हमें समझाया, अरे ज्ञानी ये तुम्हारा काम थोड़ी ना, वह कमेटी में जाके लिखवा दो, वो चेंज कर देंगे। मां भगवान की दहरे पर भी और घर के दहरे में कितना बड़ा अंतर है। घर में कुछ लाना होता है तो हजारों की चीज लाने खड़े हो जाते हैं, और जिनालय की कोई चीज हो तो कमेटी में लिखवा दो, वहां से बुलवा लेना। और लेके आ गए तो रसीद स्लिप पहुंचा दी जगदीश जी के पास में कि हमारा इतना खर्च हो गया था, अब आप लाके दे दो। मनीष यानी व्यापार कर रहे हो और यह अपना अहोभाग्य माना, जिनका पैसा लोगों के काम में लग रहा है, व्यापार ऐसा है कि दूसरे के काम में लग रहा है, उनका कुछ भला नहीं होने वाला। अपना अहोभाग्य मानना कि हमारा व्यापार ऐसा है कि मैं अपने व्यापार को करते हुए मुझे कुछ अलग से नहीं करना पड़ता, मैं जाता हूं और जो आवश्यकता होती है जिनालयों के लिए दान करके और उसी काम को दे दिया करता हूं और उसका बिल नहीं भेजता हूं। यानी बिल भेज दिया तो कोई काम का नहीं। हाँ बिल भेजना है भेज सकते हैं, क्यों बहुत ज्यादा है इसको मना नहीं है, ध्यान रखना। यानी नवनीत चांदी के सिंहासन चाहिए ना, भगवान को चांदी के सिंहासन चाहिए, यदि दूसरे के यहां जाएगा तो मंदिर का घाटा लगेगा। मुझे पता है चांदी इतने की आती है, मैं मंदिर के नाम पर घाटा नहीं लगाऊंगा, मैं उतने में ही दूंगा, पूरा नहीं दान कर सकता, मेरी कुछ राशि लग जाए यह हो भाग्य मानना, क्योंकि पुण्य से कमाई राशि ही जिनालयों में लगती है, पाप से कमाई जो राशि है, जो पाप ही कराएगी, पुण्य में नहीं लग सकती है।